हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट ऑर्डर डिलीवरी डेट कैसे चेंज करते हैं। अगर डिलीवरी के दिन आप घर पर नहीं रहते हैं या फिर आपके पास पैसे का कमी हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ऑर्डर कैंसिल ना हो, तो आप उस ऑर्डर का डेट को चेंज करके जब चाहे आपके हिसाब से आप डेट को चेंज करके ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट को ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं मेरा फ्लिपकार्ट ओपन हो गया है। तो चलिए जिस प्रोडक्ट का हमें डेट को चेंज करना है उस प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं। उसके लिए हम नीचे अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और एक बार हम ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं मेरा माय ऑर्डर खुल गया है। तो आप भी देख लीजिएगा जिस ऑर्डर का आपको डेट को चेंज करना है उस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो ट्राइपॉड है इसी का ही हमें डेट को चेंज करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं टुमारो लिखा है, मतलब कल ही जो है प्रोडक्ट आने वाला है। अगर आपका भी प्रोडक्ट कल आने वाला है या फिर परसों आने वाला है और आप उस टाइम घर पर नहीं रहते हैं या फिर आपके पास पैसे का कमी हो जाता है, तो आप उस प्रोडक्ट का आप डेट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस प्रोडक्ट का ही डेट को चेंज कर लेते हैं जो कि ट्राइपॉड है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं डिलीवरी टुमारो जून 11 है, मतलब कि आज 10 तारीख है और कल जो है प्रोडक्ट जो है डिलीवरी होने वाला है। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट कल आएगा और आप कल घर पर नहीं रहेंगे या तो फिर आपके पास पैसे का कमी हो गया है, उस प्रोडक्ट का डेट को चेंज कर सकते हैं। एक दिन, दो दिन, पांच दिन, जो भी आपका मर्जी होता है उसमें तारीख तक आप डेट लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंज डेट लिखा है, चेंज डेट के ऊपर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं 11 तारीख डिलीवरी होने वाला है, मतलब कल डिलीवरी होने वाला है। अब हम चाहे तो 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16 तारीख तक हम इसको ले सकते हैं। तो चलिए हम इसका कल का डेट लगा देते हैं, जो कि हम 12 तारीख घर पर रहेंगे तो हम कल का डेट को लगा देते हैं। अभी लगा दीजिएगा, तो हम 12 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे सबमिट लिखा है, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस लेगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रोसेस हो गया था, हम ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे और नीचे आएंगे और देख सकते हैं जो कि 11 तारीख था, 11 तारीख को कट कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 12 तारीख हो गए, मतलब 11 तारीख था, 11 तारीख को कट करके 12 तारीख का डेट कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा है डिलीवरी डेट अपडेट, मतलब कि 12 तारीख का डेट लगा दिया है, 12 तारीख का डेट मैंने कर दिए है। तो आप भी इसी तरह से एक दिन, दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, जितना भी दिन आप चाहे उसका डेट लगा सकते हैं और आप प्रोडक्ट को कैंसिल होने से बचा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।